कविताई केक से ही शुरुआत केक के इसमें बनेगा केक के फायदे होंगे सबसे ज्यादा गरीब आदमी का काम आओगी क्या लिखा कविराज ने शिकल तला का जो पार्षद का भाई है ठीक पछाड़ा शोर पे से मान सम्मान करते हैं भाई का तहे दिल से धन्यवाद भाई काला युवा साथी एक काला और था भाई बहुत बढ़िया शोर पे से मान सम्मान करते हैं अराड़े के काले जितने हम काले हरे बार बार नमन है सारे काड़ा में अरे की मारा काड़ा किसे काम का नहीं ओहो ये करवा चौथ का व्रत था अरे यू अपनी घराली तक कह लग गया बिलास बरती है तू बोले हाँ बोले नौकरी सन बोले बखत सीधा आ जाइए घर बोला के बात है बोला जो चांद मग तेरा मुंह देख कर जब रोटी खाऊंगी बाकी 4 बजे आन बढ़िया सामने बोला मन नु कह दी शाम सी ना ये दिन छपे पाछ बोला दिन छपे पाछ मैं कोना देखूं बोला के बात है बोला छलनी मग देखेगी मेरी जो आंख खराब होगा आड़े कर कर ले तो कहना होगा अरे अरे पंजाबी गाना चल ना कार में रोलना है यह है क्यों यार मेरा सज्जन काला कुड़िया की सरदार हर जब नु आ जा बहू काले की जब तक अडी में उतर के बाज जा मगा बाज ले भाई पसंद ही अगले का भी नहीं है अरे भाई इसी काले की बुआ तो बच्चा भी लो पहली कली में क्या लिखा कर में
डागर में मलेगा पानी मौज मस्ती ते ओ गाना बैठ बिस्तरे सभी मले प्यार होगा नया शराना इच्छा अनुसार दान दियो ना किसे गैल कोई धनता भगत की सुनी पुकार धन्ना भगत की सुनी पुकार हे मालिक तेरा फरमान होया गोरखपुर में अपने भाई रणवीर बालक से भाई मेरा सब कुछ है, मेरा अजीज, मेरा मित्र, मेरा भाई और भाई बड़ा है मेरे बाप समान। शोर पिशोर लाभ जाई करते हैं और इस रागनी का इनाम बोलने से पहले एक बार और ताली चाहूंगा आपसे। बहुत अच्छे कवि सरुपय मुंशी राम जी के परम शिष्य बीरा राम जी 50 रुपये पहले तो छो में और ये 100 रुपये प्यार का इनाम में देते भाई का तहे दिल से धन्यवाद। मेरे लिए आदमी बने राही बलराम जी नंबरदार जी जिन्होंने अपना जीवन इस धर्मशाला में गाड़ दिया। 100 रुपये से मान सम्मान जोरदार तालियों के साथ स्वागत करे, बार बार धन्यवाद। भाई दादा है पता नहीं क्या से क्या कर और भाई पार्षद साहब 500 रुपये दिए हैं दादा ना पत्थर लगवाइए इसका क्या कहा। गाड़िया की बने पार्किंग टोकन सबने मिल जाएंगे तरह तरह के लग पुते सबके ऊपर ताजे फूल खल जाएंगे जाही जंगड़ा में लग गए शीशे परते सबके सल जाएंगे केसरिया रंग के लग गए झंडे ठीक ना भाई मानस है शब्द नहीं किसी ने देखो सदन कदे हक दे बैठ जा हक दे बैठ जा हक दे बैठ जा। एक दिन कुदरती गाल में तो गधा आ गया
उसके आगे मारा मोर्चा हाथ जोड़ गन बोलिया जजमान आपने के को आप ताप हो अद भाई बड़े भाई का जवाब नहीं है सच्चाई तीसरी कली में के किस सुविधा होंगी चौबीस घंटे रहेंगे खुले चौबीस घंटे रहेंगे खुले दरवाजे खूब करियो आरा गर्मी में होंगे एसी सर्दी के साधन मिलता तन्ना भगत का होगा मंदिर होगी सुबह शाम घर के दर्शन होंगे प्रसन्न जनू गंगा जी पे किया स्नान घर के दर्शन होंगे प्रसन्न गंगा जी पे किया स्नान गोरख पर नगरी हुई खुशी चार टेरा रसाल और फोर बाई फोर गाड़ी हो चारों खड़े पटाएंगे और ठीक गाड़ी हो अगले टेर अंगा लाग रहा पछड़ा पछड़ गया तो भाई अगले टेर मेरे दा ईश्वर ने पूछने की जरूरत को ना पंचायत में खड़े हो पछे जो फैसला कर दे वो सर्वमान्य होगा हम तो बच्चे हैं स्त्री अंडा आगरा ना उस बच्चे को क्या पता भाई क्या मिलने वाला और इस गांव के तो मैंने पहले ही बता रहा कि भाई काला गोरख पर नरेंद्र दांगी का शिष्य मैंने पहले अभी एक घोषणा करी थी चुनावी वादा नहीं है उस भाई के नाम से जब भी प्रोग्राम करोगे फ्री में करके जाऊंगा ये मेरा वादा और भाई ने और कर दिया जिसे भी टूटे फटके हैं पार्षद साहब आपके निमित्त अरनाथ भाई नो डर दे भी को ना परमात्मा ने इतना बल भी दिया है भैया का साथ दिया भाइयों के सहयोग से वो एक राजा ने फरमान सुना दिया पंडित जी पत्रा देखे नुबला पंडित जी पहले मैं मरूंगा अगर रानी सारे कदे टोलिए पुराण विष्णु पुराण सबक में देख ले कितने लख रहा हो तो पाओ और पंडित जी ने एक हफ्ते का टाइम दे दिया पांच दिन हो लिए पंडित जी सुपना पड़ गया करूगा डब्बी एक जात है उधर जाके रोल लग गया ना बोला के बात क्यों बात की हुई हो बोला दो दिन रह गए राजा जन बच्चे ने कोलू मगा पीड़ेगा बोला की बात बिना गणेन हो गया मुड़ाई खंडिया ने आज असली बात आ गई बोला पहले मैं मरूंगा राजा देख मेरा पतरा बोले या भी के मैं बात से चल बोले मैं बता दूंगा बोला के कहना बोले नु कह दिए भाई इसका जवाब मेरा गुरु देगा टीटी पाक गया थोड़ा जा गए बोले अब पंडित जी बेरा ला गया बोले तो छोटी बात इसका जवाब तो मेरा गुरु जी देगा भाई बोले अच्छा के गुरु जी आए अच्छा बड़ी आसन अच्छी गद्दी में बैठ कर रहे उसमें बैठ कर जा रहे हमारा बड़ा माटा डोर करवा गए और बड़ा हो कह गए यार पंडित जी क्या हो उसने लो गुरु जी लो गुरु जी बोला बता भाई बोला के सवाल है बोला पहला रानी मरेगी राजा बोले यह कौन बात से लिया बोला पत्रा दे
देख तो उसने मुंह बनागा जादूगर नहीं बनागरा बोल जोर उल्टे सीधे कर कान नबला बला ले ले राजा जी बला इसमें फूक मार हर जोर बोल फूक मारी जोर बोल ले बला जा रानी मरेगी पहले हर नू कंधे बाए राजा ने दाचा नु माफ से भरे दे सोने चांदी के भर के ई रेजवारा हर कर दिया चालू ई बेकलाए दे बाज लिया हर पंडित जी डटिए डटिए बला जजवान के बात है बला के मात दा फद्दा दा कर ले बला तेरी दन फवी जाड़ बड़ा है तेरी जान बचा दी ई विषम द बिया दा चाहिए तन बला दन्ना फूक दे नो बता मना कौन सा पत्रा ले रहा था तू जिसने तने नू देखा अगर रानी मरेगी बला देख सीधी सी बात से बला के जय मरगी रानी बात सच्ची लिकट जाएगी राजा मने इतना है तन और देगा बला फिर और बला जय मर गया राजा बला फिर बला रांड मरा बगांड की लेगी तो भाई आदमी आगे वाद्य होते रंग की बगाड़ी आखिरी खली में कविराज के नाम से जोरदार ताली इतनी अच्छी बात बनाई है ये क्यों होगा रे लोगों ध्यान से सुनियो क्या कहा महानाथ ने दरवाजे पे मिले संतरी सबके नाम दर्ज होंगे कितनी आई जननी आज कितने आए मर्द होंगे मेडिकल की मिले सुविधा ना नए पुराने दर्द होंगे साफ सफाई रखने के अर अपने फर्ज होंगे सरकार कुछ नहीं कर सकती कुछ आज भी करना पड़ेगा सच्चाई है इनको दोष देने से कुछ नहीं होगा साफ सफाई रखने के आप अपने फर्ज होंगे अपना गाता आप झड़काना पड़ेगा जब जाकर काम चल रहा है गुरु मुंशी राम की मेहर फरी अरे मुंशी राम की मेहर फरी पीरा राम न कविता ही का ज्ञान होया रोशन फौजी 100 रुपए से पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं तहे दिल से धन्यवाद मंजीत मिस्त्री सदस्य बाबा विश्वकर्मा सेवा समिति जिन्होंने पीछे भी प्रोग्राम करवाया था तहे दिल से धन्यवाद पाले राम नंबरदार बड़े भाई 200 रुपए पहले 200 रुपए से और मान सम्मान करते हैं भाई का तहे दिल से धन्यवाद है धन्यवाद।